कीमत देने के लिए तैयार हूँ मैं। राज की चौखट पहुंची पूर्णिमा, फूटा राज के परिवार वालों का गुस्सा। राज की मां ने पूर्णिमा के हाथों में सौंपे कंगन। पूर्णिमा राज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हुई बाहर। जी हां, क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर। जी हां, दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर शो कयामत से कयामत तक की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से पूर्णिमा राज के चौखट तक पहुंचती है और राज के घर पर इस तरीके से पूर्णिमा को आती देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। खास करके राज की माँ का गुस्सा पूर्णिमा पर फूट पड़ता है और ऐसे में राज की माँ पूर्णिमा को धमकी देते हुए भी नजर आती है। राज और बाकी सभी घर वालों से दूर एक अलग किनारे में ले जाकर राज की माँ पूर्णिमा के हाथों में कंगन सौंपती है और कहते हुए आती है कि राज से दूर जाने की पूर्णिमा की जो भी कुछ कीमत है, पूर्णिमा को वो कीमत दे दी जाएगी। पूर्णिमा राज की मां की मुंह से ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तुरंत ही पूर्णिमा रोने लगती है, पूर्णिमा की आंखें नम हो जाती है और तभी राज की एंट्री होती है। ये सब देखकर राज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जाके राज अपनी माँ को समझाता कि इससे पहले ही पूर्णिमा राज के माँ के हाथों में राज का ही दिया हुआ अंगूठी रखती है और कहते हुए नजर आती है कि इसे मैं लौटा रही हूँ। और इसी के साथ में पूर्णिमा कहती है कि वो लोगों को और भी ज्यादा परेशान नहीं करेगी, खास करके राज के परिवार को और भी दिक्कतें नहीं देगी। बस इतना कहकर पूर्णिमा हमेशा हमेशा के लिए राज की जिंदगी से चली जाती है और साथ ही साथ राज की माँ को ये वादा भी दे जाती है। अब पूर्णिमा को भागते हुए देख कर राज पूर्णिमा के पीछे जाता है, लेकिन राज के घर वाले राज को पकड़ लेते हैं और पूर्णिमा तभी राज की जिंदगी से दूर ली जाती है। वेल, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ही राज और पूर्णिमा की लव स्टोरी का हो गया है दी एंड? हमें कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।